ऑल, दिस इज आंचल एंड आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन। आई होप आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन, और आज के सेशन में लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर वी अप विद। ठीक है, जिस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं आज, एक बिल्कुल नया फ्रेश टॉपिक है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीजें इस टॉपिक में आती है। रीजन बीइंग, ये उन टॉपिक्स में से एक टॉपिक है जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे एरर डिटेक्शन के लिए हो, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के लिए हो, चाहे वर्ड यूसेज के लिए हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए हो, है ना। तो ऑल टुगेदर हमने बार बार आपको बताया है ग्रामर का एक बहुत बड़ा रोल होता है जब कभी भी आप इंग्लिश के एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट करने जाओगे तब, है ना। गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, क्योंकि आज के सेशन में आप बहुत कुछ सीखोगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट्स के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या गलती है, कैसे ठीक करना है और क्या क्या चीजें इसमें अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, सॉरी, हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ यू ऑल। चलिए चलिए शुरू करें भैया, इजाजत है आपकी, इजाजत हो तो मैं शुरू करूं, है ना। चलो, सो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एज यू ऑल नो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो यार देखो हर हालत में आपके लिए बहुत सारी चीजें लेकर आता है, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है। ऐसे कॉन्सेप्ट जो आपके टेंसेस तक में फॉलो होते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, वर्ब और टेंसेस, ये तीनों टॉपिक्स जो है ना काफी ज्यादा लिंक्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि एरर्स वर्ब, इन तीनों में ही क्या होता है, एरर वर्ब में ही आता है, है ना। सो दैट्स अ कंसिडरेशन दैट वी नीड टू लुक एट। और अभी के लिए बता दें टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश बाय आंचल मैम, यहां से आप स्कैन करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हो, प्लस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगी, क्लास नोट्स और सारे वाईटी सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट पीवाई क्यूज भी आपको मिल जाएंगे। तो जरूर जरूर से सभी लोग इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। परमिशन ग्रांटेड। चलो एनीवे, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। हो गया सबका एक दूसरे के साथ गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, आचा पाचा, एवरीथिंग इज डन, है ना। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। अभी देखते हैं सबसे पहली चीज आज हमें पढ़ना क्या है, ये समझ लेते हैं। सो वी आर बिगिनिंग विद सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, तो हमें देखना है सबसे पहले कि ये होता क्या है, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता क्या है, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो कुछ लोगों ने देखी होगी लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो आज सबको पता चल जाएगा, ये राज सबके सामने आ जाएगा आज, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रो, इंट्रो के बाद हम कुछ पढ़ेंगे इससे कॉन्सेप्ट्स, और कॉन्सेप्ट्स के बाद पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस, ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके इसके साथ। ओके गाइस, आचा पान भाई, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने जैसे कहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, आप में से सभी लोग इसको हमेशा से ही सुनते आ रहे हो, है ना। लेकिन क्या किसी ने, एक और शब्द होता है प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट, क्या किसी ने ये सुना है बताओ? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो हमने हमेशा से सुना है, लेकिन क्या किसी ने प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट के नाम के बारे में कुछ आइडिया लगाया, कभी समझने की कोशिश करी? अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि चलो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तो हमें पता है कि वर्ब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, और जब ये दोनों अग्री कर जाते हैं तो हम लोग एक अग्रीमेंट बनवा के इन लोग का सिस्टम सेट करा देते हैं, है ना। अब देखो बहुत सारे लोगों ने सुना है, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है उनको हम बता दें कि प्रोनाउन वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है। जैसे आपका वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, वैसे आपका प्रोनाउन इस वर्ब के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। तो इनको, इन चीजों को अलग अलग पढ़ने से बेहतर चीज क्या होती है कि हम एक काम करें कि हम स्टेटमेंट्स को, यस सुना है आपने, पेड बैच में सुनाया है, हाँ सुनाया नहीं पढ़ाया है, ठीक है। सो ओके, सो क्या है यहां पर, यही अंडरस्टैंडिंग हमको क्रिएट करनी है, और इन दोनों चीजों को समझते हुए पहले अंडरस्टैंड करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखना, जहां पर भी जैसा वर्ब लगेगा वैसा ही प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ठीक है। तो हम इसको फॉलो कहां कराते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, अकॉर्डिंग टू सर्टेन कॉन्सेप्ट्स वर्ब्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये तो हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, एंड The pronoun is used and the pronoun is used
अकॉर्डिंग टू द वर्ब, ठीक है, वर्ब के अकॉर्डिंग। तो इंटरलिंकिंग किनके किनके बीच में हो रही है? इंटरलिंकिंग हो रही है हमारे कुछ तो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वर्ब्स, वर्ब से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से प्रोनाउन, ये तीन चीजों को हम लिंक करके आगे चलते हैं, ठीक है। अच्छा चलो क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। इसमें जो हमने बोला है सर्टेन कंडीशंस, ये कंडीशंस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है कि हमें पता चल जाए कौन सी चीज कहां पर लगाई जाएगी। और चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हमारा आ रहा है, सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। जब कभी भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ते हैं तो आप किस तरह का वर्ब इस्तेमाल करते हो, जल्दी से बताओ। तो बोलो सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, अगर एंड से ज्वाइन कर रहे हैं तो हर हालत में हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, ठीक है। लेट मी गिव यू द सेंटेंसेस एंड यू टेल मी व्हाट टू प्लेस वेयर, ठीक है। हमने बोला ओके, अंकिता एंड काजल हैज बीन ग्रेट फ्रेंड्स सिंस फॉरएवर, ऐसा। या फिर हमने कहा आई एंड माई पेरेंट्स वॉज कॉल्ड बाय द नेबर्स, ऐसा। या फिर हमने बोला ब्रेड एंड जैम is kept in the store at the right side, ऐसा। right side में bread jam रखा हुआ है, ऐसा। what are we supposed to do here, बताओ। were का use करेंगे, have का use करेंगे, are का use करेंगे, okay that's great। Okay, let's see. Bread and butter are, bread and jam are kept in the store at the right side. Okay, अभी क्या है यहां पर हो रहा है, अंकिता और काजल दो लोग हैं, I and my parents दो तीन लोग हैं, bread and jam दो चीजें हैं, है ना। जब एक से ज्यादा हो जाएगा तो in any case we are supposed to use plural, तो हम क्या करेंगे, have been great friends, were called by the neighbors और ये are kept in the store। लेकिन बचपन से तो बताया गया है ब्रेड एंड बटर इज लगाता है, ब्रेड एंड बटर इज लगाता है, ब्रेड एंड बटर के साथ इज लगाते हैं, नहीं बताया गया ये, तो वो कैसे फॉलो होगा। हाँ, फिर यहां पर आर कैसे लगा रहे हैं, यहां पर आर लगा रहे हैं, एक सेंटेंस और दे देते हैं आपको। एक सेंटेंस हमने क्या दिया, हमने कहा ब्रेड एंड जैम आर माय गो टू ब्रेकफास्ट, मतलब कि जब वो कुछ नहीं मिल रहा होता तो फिर हम क्या करते हैं, ब्रेड निकालते हैं, जैम लगाते हैं, खा लेते हैं। तो यार इस सेंटेंस में आर लगना सही है कि ये सही है जैसा हमने अभी पढ़ा है वो सही है, या क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूटली करेक्ट, इसमें आपका इज आएगा, ऐसा क्यों, वाई सो, इसलिए क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में आप कह रहे हो ब्रेड एंड जैम आर केप्ट इन द स्टोर, तो स्टोर में तुम्हारे लिए इसलिए नहीं रखा हुआ है, अरे मेरे बाबू आएगा, अभी भैया आएंगे तो हम उनके लिए ब्रेड के ऊपर जैम लगा के दबा के साइड्स काट के रख देते हैं, भैया आएंगे खा लेंगे सीधा, ऐसा इतना प्यार कोई नहीं करता है तुमसे, ठीक है। तो आपका ब्रेड अलग रखा होगा और आपका जैम अलग रखा होगा, तो वो दो अलग अलग एंटिटीज है, कब, जब वो स्टोर पे है, इसलिए हम इसके साथ आर का यूज कर रहे हैं। लेकिन जब ब्रेकफास्ट के तौर पर खाते हो तो ऐसा थोड़ी होता है कि एक बार ब्रेड खा रहे हैं, फिर एक चम्मच जाम निकाल के खा रहे हैं, फिर ब्रेड खा रहे हैं, फिर जाम खा रहे हैं, फिर ब्रेड खा रहे हैं, फिर जाम खा रहे हैं। नो, यू स्कूप आउट द जैम, स्प्रेड इट ऑन योर स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड देन यू फोल्ड इट एंड ईट इट, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं। सो ब्रेड एंड जैम
इज माई गो टू ब्रेकफास्ट, इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट पे आप उसको एक साथ मिलाकर खाओगे, अलग अलग नहीं, है ना, इसलिए हम यहां पर इज का यूज करते हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है जो हमारा वो कहता है, व्हेन दीज आर यूज्ड एज अ जॉइंट यूनिट यूज सिंगुलर वर्ब। जब आप इसको जॉइंटली इस्तेमाल करोगे, एक साथ इस्तेमाल करोगे, तो ये सिंगुलर हो जाएगा। कभी ऐसा कोई आदमी हमारे बीच में, कोई ऐसा महानुभाव है क्या, जल्दी से बताओ जरा, जो राजमा एक चम्मच खा रहा है फिर एक चम्मच चावल खा रहा है, एक चम्मच राजमा एक चम्मच चावल, एक चम्मच राजमा एक चम्मच चावल, कोई ऐसा है? नहीं ना, हम राजमा निकालते हैं, चावल मिलाते, घी मिलाते, प्याज मिलाते, खाते और फिर ऐसा हो जाता है ना। सो व्हाट इज इट, राइस एंड करी, राइस एंड करी आर व्हाट आई कैन हैव थ्राइस अ डे, एक दिन में तीन बार खाया जा सकता है ये, बताओ जल्दी से, व्हाट इज इट, व्हाट इज इट। तो यहां पर भी इज का ही यूज होगा, ऐसा क्यों, क्योंकि अगेन यू विल मिक्स दीज टू थिंग्स और तब आप खाओगे, है ना, समझे, यू विल मिक्स दीज टू थिंग्स और फिर आप उसको एक साथ खाओगे। एक साथ जब कर रहे हो, सिंगल यूनिट ट्रीट कर रहे हो, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। क्या यहां तक आप सभी के दिमाग में, बुद्धि में ठनक गया, ये चमक गया, ये आराम समझ में आ गया, ये है ना। अब आते हैं अगली कंडीशन पे। अगला कंडीशन हमारा कहता है कि आर्टिकल के पहले सब्जेक्ट है, अभी भी सब्जेक्ट है, ठीक है, अभी भी एक सब्जेक्ट है और इधर दो सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन दोनों सब्जेक्ट से पहले एक एक आर्टिकल लग गया है। इसका मतलब यह होता है कि हम दो अलग अलग एंटिटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब हो गया टू डिफरेंट एंटिटीज इन्वॉल्व्ड, ओके। इसी वजह से, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए वर्ब आपका क्या हो जाता है, प्लूरल यूज करता है, ओके, राइट। आओ जरा समझो, यहां पर क्या करना है हमको, हमने बोला द एक्टर एंड द सिंगर, क्या तुम क्या बोल रही हो बहन, चलो, द एक्टर एंड द सिंगर इज हियर टू होस्ट द शो, आ गए हैं शो को होस्ट करने, हमारे एक्टर और सिंगर, व्हाट आर यू सपोज टू डू हियर, टेल मी, या फिर हमने बोला द परफॉर्मर एंड द फनाम्ब्यूलिस्ट, फन एम्ब्यूलिस्ट लव्स टू परफॉर्म फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए इनको परफॉर्म करना बहुत अच्छी लगती, बताओ, आर हियर आर हियर आर हियर, एब्सोल्यूटली करेक्ट, क्या बात है, वेरी गुड। चलो यहां पर क्या होगा, अभी हमने एक्टर लगाया है, सिंगर लगाया है, दो सब्जेक्ट्स है, दोनों के पहले द लगा दिया, मतलब सिंगर कोई और है और एक्टर कोई और, समझ रहे हो, वैसे ही परफॉर्मर के साथ भी द लगा है और फन एम्ब्यूलेंस के साथ भी द लगा है, दैट मीन्स ये दोनों अलग अलग है, इसलिए इज हियर नहीं, आर हियर टू होस्ट द शो, लव्स टू परफॉर्म नहीं, लव टू परफॉर्म फॉर द पब्लिक का यूज करेंगे, ठीक है, ओके, ओके, क्या ये क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट यहां तक, आई होप नॉट, ओके, डन, ओके, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कंडीशन हमारी क्या कहती है, अब थोड़ा सा चेंज, हल्का सा बदलाव, क्या कहता है, हल्का सा बदलाव कहता है कि सब्जेक्ट आज भी दो है लेकिन आर्टिकल सिर्फ पहली वाले के साथ लगा है, दिस मींस ये दोनों इंसान सेम एंटिटीज है, जब दोनों चीज सेम है इसीलिए इसके साथ वर्ब हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर लगाते हैं, समझी गए, ठीक है, ओके, वन एंड द थर्ड पॉइंट, वन एंड द थर्ड पॉइंट, फर्स्ट वन उसमें आपने क्या किया है, फर्स्ट वाले में देखो आपने क्या किया, यहां पर अंकिता काजल आई एंड माय पेरेंट्स ब्रेड एंड जैम, यहां द कहां लगा रहे हैं, बट थर्ड पॉइंट पे देखोगे तो यू आर यूजिंग द आर्टिकल द विद इट, है ना, तो ये फर्क है। अब इधर आ जाओ, आर्टिकल जब सिर्फ पहले वाले के सब्जेक्ट के साथ लगाओ, फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा क्या, द एक्टर
एंड सिंगर हिमेश रेशमिया इन द हाउस, तेरा 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 सुरूर, द एक्टर एंड सिंगर हैव स्टार्टेड जजिंग द कॉन्टेस्टेंट्स. ठीक है, कॉन्टेस्टेंट्स को उन्होंने जज करना शुरू कर दिया है. ठीक है, हमने बोला द नर्स एंड हेल्पर इन द ऑपरेशंस आर अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. चलिए से बताओ क्या होगा यहां पर. कम ऑन गाइस, वेरी गुड, क्या बात है मित्रों, पढ़ाई कर लो, बहुत पिटोगे, समझे. आओ जरा इधर देखो क्या कह रहे हैं. अभी एक्टर है सिंगर है ना, लेकिन द सिर्फ पहले वाले के साथ लगा है, मतलब एक ही आदमी है, वही एक्टर है वही सिंगर है. ये टोपी उतार के आएगा तो एक्टर बन जाएगा, टोपी पहन के आएगा तो सिंगर बन जाएगा, है कि नहीं. तो एक ही आदमी है, हैव नहीं लगाओगे, हैज स्टार्टेड का यूज करेंगे. दूसरा है द नर्स एंड हेल्पर इन द ऑपरेशंस आर अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, है ना. जो नर्स और हेल्पर है इन ऑपरेशंस में, लेकिन है तो एक ही इंसान, वही नर्स है वही हेल्पर है, तो आर अ मेजर नहीं, इज अ मेजर पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, हो गई. चलो क्लियर है ये, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो पी वी कैन मूव ऑन विद द नेक्स्ट सेट. Okay. क्या बोल रहे हो यार तुम लोग, आपस में तल चिपिर चिपिर करते रहते हो. चलो फिर ओके, नेक्स्ट अप इज ओके. कभी भी सेंटेंस में अगर आपको ईदर और नीदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो का इस्तेमाल करना है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि जो दो सब्जेक्ट्स लग रहे हैं इसमें हमेशा 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 सेकेंड सब्जेक्ट अग्री करे. ठीक है, तो यहां पर जो वर्ब लगेगा ऐसी कंडीशन में वो हमेशा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू होगा. और कुछ लोग ना ये वाली भाषा इस्तेमाल करते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. डू नॉट डू दैट. ठीक है, तुम लोग क्या कर रहे, क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में. यूपीएससी में नहीं आएगा ना, बैंक एग्जाम के जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में आएगा. जो आएगा वो पढ़ लो वरना पिटोगे बहुत जोर से, समझे. यस, सुनो मेरी बात. तो यहां पर क्या है, ईदर के साथ और लगा, नीदर के साथ नॉर लगा, या नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लगा. वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, मतलब अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर. ठीक है, आ जाओ जरा. हमने लिखा ईदर राज और अम्मू have started this conversation. पत्तमीज, चुप्पे चाप, पढ़ाई नहीं हो रही है, हैं? बताओ क्या होगा, what is it? हमने बोला neither, अच्छा एक मिनट वन मिनट होल्ड, है ना. Not only she but also all the other students, yeah, all the students is participating in this conversation. Eh? वो तो कर ही रही थी, तुम सब क्या करने लगे, तुम भी बात करने लगे, बदतमीज बच्चे है. अच्छा एक और आ जाओ. हमने बोला neither she nor you is going to be what is going to be, क्या लिखे,
अच्छा चलो कुछ और लिखते हैं. नीदर शी नॉर यू इज गोइंग टू बी ओके पार्डन्ड फॉर दिस मिस्टेक. इस गुस्ताखी की आपको, इस गुस्ताखी के लिए आपको माफी नहीं दी जाएगी. देख रहे हो, बताओ क्या हो रहा है यहां पर. अभी इन्होंने पंचायत शुरू करी है, या तो राज या तो अम्मू, दोनों में से किसी एक ने पंचायत शुरू करी. अब इधर और के चलते क्या हुआ, हमें लगाना पड़ेगा सेकंड सब्जेक्ट, और सेकंड सब्जेक्ट अम्मू है विच इज सिंगुलर, तो एज हैज का यूज करेंगे. ठीक, दूसरे में आए कह रहे यही कॉन्वर्जेशन, कह रहे अच्छा ये लोग बात कर रहे हैं, रुको मैं भी अपना बता दूं, है ना, मैं भी अपना कॉन्वर्जेशन थोड़ा सा दे दूं. तो उन्हें बोला क्या, नॉट ओनली शी, ये खाली ये नहीं थी, ये सब जितने भी हैं यहां पर ऑल द स्टूडेंट्स, ये सब भी शुरू हो गए. हाँ हाँ ऐसे है, हाँ हाँ ऐसे है, हाँ हाँ ऐसे है. सुनो, ऑल द स्टूडेंट्स इज नहीं आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस कॉन्वर्जेशन. शर्म ना, शर्म ना लिहाज, सब बेच के आया हूं. नीदर शी नॉर यू, यू प्लूरल होता है, आर गोइंग टू बी पार्डन फॉर दिस मिस्टेक. इसको ताकि ज्यादा सजा सबको मिलेगी. हाय है कि नहीं, देख लो. समझ आई बात कि नहीं आई, क्लियर है, सॉलिड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताओ. हाँ जी I hope it's done. आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए अगले अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं. अगला कॉन्सेप्ट कहता है, अब देखो आपने क्या किया, इधर के साथ और, नीदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो. ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि ईच एवरी इधर नीदर एनी नन अकेले भी इस्तेमाल होते हैं. ठीक है, अकेले भी इस्तेमाल होते हैं तो क्या करेंगे. देखो इधर इधर नीदर ओनली फॉर टू होता है, और अगर दो से बड़ा कोई नंबर हो जाए मोर देन टू के लिए एनी और नन, मोर देन टू के लिए. ठीक है, इन सब के साथ एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं क्या, कि अगर इसके जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद आपने नाउन लगा दिया, या फिर आप इसके साथ ऑफ द का इस्तेमाल करते हो और फिर नाउन लगाते हो, तो दोनों कंडीशंस में नाउन यहां तो सिंगुलर हो जाएगा, है ना, लेकिन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा. अब नाउन चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब हर हालत में सिंगुलर रखिएगा इन सभी वर्ड्स के साथ. ठीक है, वर्ब हर हालत में सिंगुलर रखना है इन सभी वर्ड्स के बाद. इज दैट क्लियर? यस, यस गाइस, क्लियर है? चलो ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. हमने बोला एनी ऑफ द, आंख खोल के और दिमाग खोल के जवाब देना, क्योंकि एक से ज्यादा गलती निकाल के दे रहे हैं. ठीक है, चलो, एनी ऑफ द टू फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है ये. ठीक है, एनी ऑफ द टू फ्रेंड्स हैव लॉस्ट देयर बैग्स, ऐसा. दूसरा हमने लिखा, ईच स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर आंसर शीट्स. तीसरा सेंटेंस देखो, बहुत सारे एक एक सेंटेंस में बहुत सारे गलतियां हैं, खाली एक एक मत ढूंढो, एक एक मत ढूंढो. पहल ऐसे लिखो, वन वन में क्या क्या गलतियां हैं, फिर लिखो टू, टू में क्या क्या गलतियां हैं, थ्री तब तक हम लिख दे रहे हैं. ठीक है, हमने बोला ओके, ईदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स
ईदर ऑफ द फाइव ब्रदर्स आर कॉल्ड बाय द डॉक्टर टू इन्फॉर्म अबाउट देयर फादर. चलो बताओ हाउ विल यू करेक्ट दिस. गो ऑन. कम ऑन. सबसे पहले में ईदर ऑफ. ओके एब्सोल्यूटली करेक्ट. चलो सबसे पहला सेंटेंस देखो जरा क्या गलतियां हैं. गलती नहीं है. सबसे पहले हमने क्या बताया, जब टू होगा तो ईदर या नीदर में से कुछ लगाना और टू से ज्यादा होगा तो एनी और नन में से कुछ. बताया था है ना. तो सबसे पहला क्या है, टू. टू लगाने के साथ साथ हम एनी का यूज नहीं कर सकते, टू के लिए हम ईदर का यूज करेंगे. ठीक है. दूसरी चीज हमने बताई ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है, तो ऑफ द के बाद जो नाउन आ रहा है दैट इज सपोज टू बी प्लूरल फ्रेंड्स. हमने कहा अगर इनमें से कोई भी वर्ड लगाए, ईच एवरी ईदर नीदर एनी नन, तो ईदर लगाए. इसके चलते आपका वर्ब सिंगुलर होगा तो क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे. आपको शुरुआत में बताया था जैसा वर्ब वैसा प्रोनाउन भी यूज करना है. रिवर्ब बताया था कि नहीं, बताया था ना. तो फिर यहां पर गलती क्या हुई, हैज के साथ फिर देयर नहीं हर का यूज करोगे या हिज का यूज कर लो, क्योंकि फ्रेंड्स तो कुछ भी हो सकता है. Has lost his bag. हर कदम पे गलती थी. देख रहे हो, either of the two friends has lost his bag. पांच errors. पूरी तरह से उगा भी नहीं है ये sentence और पांच गलतियां निकल गई इसमें. देख रहे हो कितनी गलतियां हैं, क्या क्या चीज चेक करनी पड़ेगी. अगला सेंटेंस देखो, ईच के जस्ट बाद अगर नाउन लग रहा है तो सिंगुलर फॉर्म में होगा, स्टूडेंट को स्टूडेंट्स को स्टूडेंट कर दो. ठीक है. ईच स्टूडेंट वर्ब नहीं लगा सकते क्योंकि ईच लगा है, तो सिंगुलर कर दो. वाज रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर नहीं क्योंकि वर्ब सिंगुलर है, तो सबमिट हिज आंसर शीट. ओके अगेन पूरी तरह से हुआ नहीं था सेंटेंस, फिर भी चार गलतियां निकल आई. देख रहे हो, ओके गॉट इट. अगला देखो, ईदर ऑफ फाइव ब्रदर्स, भाई साहब पांच की बात कर रहे हैं, पांच में मोर देन टू हो जाता है. सबसे पहले करेंगे ईदर को हटा के एनी, और ऑफ के बाद आएगा एनी ऑफ फाइव ब्रदर्स, प्लूरल है करेक्ट लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा. इज कॉल्ड बाय द डॉक्टर टू इन्फॉर्म अबाउट हिज फादर, उसके पिता के बारे में बताना था तो डॉक्टर ने उनको बुला लिया. ओके गॉट इट. क्लियर है. चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ये तो हमको समझ में आ गया. अब आते हैं अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के स्थान पर. ठीक है, अ नंबर ऑफ लिखा हो चाहे द नंबर ऑफ लिखा हो, दोनों के बीच में कॉमन क्या है. कॉमन ये है कि क्योंकि नंबर लिखा हुआ है दैट मींस कई सारी चीजों की बात कर रहे हो, है ना. क्योंकि नंबर लिखा हुआ है तो कई सारी चीजों की बात कर रहे हो, और इसलिए जो भी आएगा इसके बाद नाउन लाएगा, और नाउन हर हालत में प्लूरल सेंस में यूज होगा. इस्तेमाल किया जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. वर्ब के साथ चेंज आ जाता है कि अ नंबर ऑफ के साथ वर्ब भी प्लूरल रहता है, लेकिन द नंबर ऑफ के साथ वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है. समझ गए हो बाबा. यस, अ नंबर ऑफ के साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल रहेगा, द नंबर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल रहेगा लेकिन वर्ब सिंगुलर रहेगा. ओके आओ आइए जरा सेंटेंस देखें. तो हमने बोला अ नंबर ऑफ
स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज स्टार्टेड चिट चैट. चंटो है ना, हमने बोला अ नंबर ऑफ पेपर वॉज सबमिटेड बाय, अरे स्कूल में ले जाते होगे पेपर थोड़ी, स्कूल में ले जाते होगे फ्रेंडशिप बैंड, अ नंबर ऑफ फ्रेंडशिप बैंड वॉज कॉन्फिस्केटेड, ये लगाते है ना, सही तो है, कॉन्फिस्केटेड बाय द मॉनिटर्स. मॉनिटर्स इकट्ठा करके धीरे धीरे हम लोग को भेजा तो पता कहां, कंप्यूटर लैब. अगर जाओ कंप्यूटर लैब हो क्या हो, जाओ कंप्यूटर लैब हो क्या, और कंप्यूटर लैब होने के बाद क्या होता था, हम लोग जब तक वापस आते थे तब बैग वैग चेक कर लिया जाता था, और उतनी देर में बैग में जितना इतना महंगा जिसने जिसने निकाला होता था फ्रेंडशिप बैंड सब ले जाके, पता नहीं कहां गया, आज तक पता नहीं चला. खैर क्या कर सकते हैं, आइए. सो अ नंबर ऑफ नाउन हैज टू बी प्लूरल, स्टूडेंट्स करोगे और फ्रेंडशिप बैंड्स करोगे, है ना. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ फ्रेंडशिप बैंड्स इन दिस क्लास हैज स्टार्टेड चिट चैट, नहीं हैव स्टार्टेड चिट चैट, और वॉज कॉन्फिस्केटेड, नहीं वर कॉन्फिस्केटेड. ठीक है, मतलब ऐसे लेके रख लिया जाता था भाई, कोई बोलता भी नहीं था, बताता भी नहीं था, बहुत गलत होता था हम लोग के साथ. यस गाइस, क्लियर है, आई होप यस, है ना. बाय माय मदर, ओ मम्मी को तो बता देना चाहिए था तुमको, कौन मम्मी से छुपाए तुमने, यही गलत कर दिया बस. आओ जरा, फिर हमने बोला द नंबर ऑफ का यूज करना है. ठीक है, हमने लिखा द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ओ द नंबर ऑफ क्लॉथ इन माय अलमीरा आर इंक्रीजिंग बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर, बट आई डोंट हैव एनीथिंग टू वेयर. कितने लोग बचपन में इस बात पे गाली खाए हो, हाँ मम्मी मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए, और जैसे ही अलमारी खोलो कपड़े तुम्हारे चरण स्पर्श कर देते हैं, लेकिन फिर भी मम्मी मेरे पास कुछ नहीं है कपड़ा पहनने के लिए. हाँ, हमने बोला द नंबर ऑफ कजिन इन माय फैमिली आर सच दैट वी hardly need friends. बात तो सही है, इतने कजिन्स है कि हम लोग को चाहिए ही नहीं कि दोस्त हो, है ना, अभी भी खाते हैं. लड़कियां करती हैं ऐसा कुछ नहीं है. केशव तुम्हारी बात बताएं, लेके आएगा एक तो शर्ट और बहुत मजे से उसको पहनेगा कि जहां जा रहा है वही शर्ट पहन के जा रहा है, वही टी शर्ट पहन के जा रहा है ना. और मम्मी बोलेंगे तुम्हारे पास 100 कपड़ा है वही पहनना है क्या तुमको, बदतमीज हो क्या, शर्म नहीं आती तुमको. और फिर वो कपड़ा इतना पहन लेगा, फिर बोलेगा मेरे पास कपड़ा ही नहीं है. ऐसा ना सोचो कि तुम लोग बहुत सीधे होते हो तो सच जैसे ही हो तुम, एक जैसे ही, ठीक है. नहीं तो चलो इधर, सोच रहे बहुत सीधे हैं. द नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ लगाया है, उसके बाद जो नाउन लगा रहे हो दैट इज सपोज टू बी इन प्लूरल फॉर्म, राइट. सो हम क्या करेंगे, क्लोथ यूज करेंगे. क्लॉथ तो वैसे भी नहीं यूज हो सकता क्योंकि क्लॉथ का मतलब होता है कपड़ा, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन, है ना. जो थान में कपड़े नहीं होते वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो उसमें तो वैसे भी नहीं लगा सकते, है ना. या सो दैट्स अ केस. और कजिन्स को आप प्लूरल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कजिन्स तो काउंटेबल होते हैं. इज इन माई अलमीरा इज इंक्रीजिंग, नहीं बढ़ता जा रहा है हर रोज, लेकिन फिर भी कहते हैं कपड़ा नहीं है हमारे पास, इतना सच क्यों बोल रहे हैं सवाल, जरूरी भी है ना,
अम्मू देखो मैम मेरे पास से 32 ड्रेस है डेली के यूज के लिए 32। चलो फिर उसके बाद बता रहे हैं द नंबर ऑफ कजिन्स इन माय फैमिली इज सच, इतने नंबर हैं कि भैया हमें दोस्तों की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक है इज दैट क्लियर डन? देख लो इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ओके, वेयर इज अ वर्ब बाबा? चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। ठीक है जितना बड़ा से लिख दिए ना उतना ही बड़ा ये चीज है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है जो करना सब चाहते हैं लेकिन डर सबको लगता है। प्रॉक्सिमिटी इज नियरनेस, किसी भी चीज के पास जाने से। मेरे पास मत आओ जल जाओगे, ओ मैं जलना चाहता हूं। ठीक है अवॉइड एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब क्या होता है? नियरनेस, जो चीज जिसके पास है। हद से ज्यादा लोगों को हमने ये बोलते हुए सुना है बगल वाले नाउन के अकॉर्डिंग लगा दो, बगल वाले एरर के अकॉर्डिंग लगा दो, बगल वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लगा दो, जो सबसे पास है उसके अकॉर्डिंग लगा लो, जो सबसे पास प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग लगा लो, जो सबसे पास क्या बोलते हैं नाउन है उसके अकॉर्डिंग लगा लो। गलत है ये, गलत, रॉन्ग। क्या करना है देखो, नेवर यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द क्लोजेस्ट और नियरेस्ट नाउन, है ना। पास, सबसे पास वाले नाउन के अकॉर्डिंग, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब का भी मत लगाना। ठीक है यूज वर्ब, इनफैक्ट करना क्या है, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा है उसी के बारे में ही आपका वर्ब होना चाहिए, ऐसे नहीं बगल में जो लगा है वो लगा देंगे। ठीक है जैसे कि हमने कहा द कॉस्ट ऑफ manufacturing these products has increased, have increased, बताओ सही है। हमने बोला the economies around the world is suffering due to recession, ऐसा, या फिर हमने लिखा the cars parked in my parking needs to be removed immediately, तुरंत हटा दो। चलो बताओ what are we supposed to do? क्या बात है, absolute have increased, लक तोबा ये क्या कर रहे हो तुम बदतमीज हो क्या? आशुतोष आपने जो सेंटेंस लिखा वो भी गलत है बाबू, प्रोडक्ट्स हैव नहीं, बात किसकी कर रहे हैं, इंक्रीज क्या हुआ है, प्रोडक्ट थोड़ी बढ़ गया है। सुनो मेरी बात, क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स, हम जहां वर्ब लगा रहे हैं बगल वाला नाउन देखे तो उसके अकॉर्डिंग तो सही है यार, हैव इंक्रीज्ड, है ना, लेकिन इंक्रीज एक्चुअली हुआ क्या है, क्या इंक्रीज हुआ है, प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ है। क्यों, प्रोडक्ट की हाइट बढ़ा दी तुमने, नहीं ना, प्रोडक्ट बनाने का कॉस्ट बढ़ गया है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दीज प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड लिखोगे, ठीक है, हैज इंक्रीज्ड लिखोगे। फिर हमने बोला द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड इज सफरिंग ड्यू टू रिसेशन, जो इकोनॉमीज कहां पर हैं पूरी दुनिया में हैं वो क्या कर रही हैं, रिसेशन की वजह से सफर कर रही हैं। तो इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बगल वाला नाउन क्लोजेस्ट सबसे प्यास सबसे पास में है उसके अकॉर्डिंग लगाओगे तो ऑब्वियसली गलत हो जाएगा, है ना। सो द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड आर सफरिंग ड्यू टू रिसेशन, ठीक है ओके। फिर है द कार्स पार्क्ड इन माई पार्किंग नीड्स टू बी रिमूव्ड इन इमीडिएटली,
कमॉन कमॉन, चलो बताओ। द कार्स पार्क्ड इन माय, कौन क्या रिमूव कर रहे हो? पार्किंग को ही हटा दोगे क्या? पार्किंग थोड़ी हटा रहे हो, कार जो लगी है वो हटा रहे हो। कार्स पार्क्ड इन माय पार्किंग नीड टू बी रिमूव्ड इमीडिएटली, तुरंत से तुरंत हटा दो। हमको गाड़ी लगानी, तुम कैसे लगा दी अपनी गाड़ी यहां पे? आए क्या समझते हो अपने आप को? ओके चलो, आई होप यू अंडरस्टूड दिस राइट। अभी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, अब करते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व, क्या कहते हो? ठीक है चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, अंडर द इमेंस स्टार्ड रूफ पीपल वाज वॉकिंग फास्ट लाइक थ्रेड्स ऑफ पेन्स बीइंग वोवन इनटू अ व्हाइट वेब। 3, 2, 1 एंड गो। गाड़ी तो मेरी ही लगेगी, अच्छा बदतमीज। क्या बात है, एब्सोल्यूटली अमेजिंग। चलो, अंडर द इमेंस स्टार्ड रूफ, मतलब ये जो इतना बड़ा स्टार्ड रूफ है, लोग ऐसे चल रहे थे। पीपल वॉज नहीं होगा, किसी हालत में नहीं हो सकता, पीपल वर, लोग, पीपल प्लूरल होता है ना, पीपल वर वॉकिंग फास्ट, लोग ऐसे चल रहे थे जैसे पेंट का थ्रेड लिए व्हाइट वेब में। ठीक है, इट्स ऑप्शन नंबर बी दैट होल्ड्स द एरर। वेरी गुड, इजी क्वेश्चन, 100% वेरी गुड। अरिंदम, श्रुति, गोस्ट, दक्ष एंड अमु, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेट्स गो। द डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून्स ऑफ द वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान आर अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिफ्यूजल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिपेंडेंट इंडिया। व्हाट्स द प्रॉब्लम, जल्दी से देखो। गो फॉर इट गाइस, क्या बात है, वेरी गुड। हमको गलती भी बताना प्लीज, कहां पर है, क्या गलती है। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वंस द पोल इज ओवर, वेरी गुड। चलो, हमने बोला डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून्स ऑफ वंस एस्टीम्ड रॉयल फैमिली ऑफ राजस्थान, कह रहे एक बार जो रॉयल फैमिली हुआ करते थे राजस्थान के, उनको इस समय क्या फेस करना पड़ रहा है, डिक्लाइन इन द फॉर्च्यून्स, मतलब उनकी जो राजशाही है उसमें उनको डिक्लाइन फेस करना पड़ रहा है। और ये डिक्लाइन ही है क्या, इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस आर नहीं, तो ये राजस्थान की बात नहीं कर रहा है, ये रॉयल फैमिली की बात नहीं कर रहा है, ये बात कर रहा है जो डिक्लाइन आया है इनके फॉर्च्यून्स में, जो परेशानियां आई है इनके सामने, जो गिरावट आई है इनके फॉर्च्यून में, उसकी वजह से प्रॉब्लम है। राइट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यही होता है प्रॉक्सिमिटी की गलती, है ना। ऐसे हमने छोटे छोटे सेंटेंसेस देखकर बताए, और यहां पर देखो एक बड़ा सेंटेंस में था। राइट, सो ऑप्शन नंबर बी हैज द एरर हियर एंड 88% पीपल, दक्ष, अचता, गोस्ट, श्रुति एंड मेघा, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन, हिज मास्टरी ओवर सेवरल लैंग्वेजेस एंड द सोशल ग्रेसेस मेक हिम अ सॉट आफ्टर इन्विजिलेटर। कम ऑन गाइस, गो फॉर इट, जल्दी से बताओ क्या होगा यहां पर आपका सही आंसर। क्या बात है, वेरी वेल डन। ओके चलो देखें, हिज मास्टरी ओवर सेवरल लैंग्वेजेस, उसकी जो मास्टरी थी इतने सारे लैंग्वेजेस के ऊपर, एंड द सोशल ग्रेसेस मेक हिम अ सॉट आफ्टर इन्विजिलेटर। मेक हिम अ, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है, उसकी मास्टरी उसे बना रही है। हिज मास्टरी मेक्स हिम अ सॉट आफ्टर इन्विजिलेटर, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है प्रॉक्सिमिटी वाली, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन दिए उससे, है ना। सो वी से हिज मास्टरी ओवर सेवरल लैंग्वेजेस एंड द सोशल ग्रेसेस मेक्स हिम अ सॉट आफ्टर इन्विजिलेटर। ऑप्शन नंबर डी इज योर परफेक्ट आंसर हियर, 90.79, वेरी गुड। कृष्णा, हर्ष, गेमर साइंटिस्ट, पारुल, प्रशांता एंड शिखा, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन देखो, द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स आर बिजी इन कैंपेनिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस।
देखो ये वाला करते हो कि नहीं। वेल डन। ओके ओके ओके, वेरी गुड, कीप गोइंग गाइस। ऑलमोस्ट सबने भी दिया है, वेरी गुड। सो चीफ मिनिस्टर एज वेल एज, जब कभी भी एज वेल एज के साथ, वैसे ही कल पढ़ाएंगे, एज वेल एज के साथ, विथ के साथ, टुगेदर विथ के साथ, अलोंग विथ के साथ, इन एडिशन टू के साथ, नो लेस दैन के साथ, कभी भी अगर दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया जाएगा तो पहला सब्जेक्ट जैसा भी होगा वैसा ही आपका वर्ब होगा, एंड देयर फॉर आर नहीं इज का यूज किया जाएगा। द चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हिज मिनिस्टर्स इज बिजी इन कैंपेनिंग फॉर द अपकमिंग इलेक्शन। बी होल्ड्स द एरर एंड 93.42, वेरी गुड। रोहन, मयूरी, प्रसंता, दक्ष, निष्ठा एंड सिमरन, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन देखिए। द बेड एंड ब्रेकफास्ट वर वेरी चार्मिंग, सो वी डिसाइडेड टू स्टे एंड एंजॉय इट फॉर द रेस्ट ऑफ द हॉलीडे। वेरी गुड, पहला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा सही आंसर आपके क्वेश्चन का। वेरी वेल डन। सबका ही बी जा रहा है, सो दैट्स गुड टू गो। ओके चलो, सो द ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, बाबूज, ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट, द कहां लगा है, सिर्फ पहले वाले किया गया, मतलब कि आपको किसी जगह का ब्रेड और ब्रेकफास्ट दोनों, बेड और ब्रेकफास्ट दोनों अच्छा लग गया है, खाना भी और सोना भी। अरे मस्त नींद आया ब्रो, यहाँ पे इधर ही शुरू करेंगे आप सारे हॉलीडे, इधर उधर जहां घूमने जाना है घूमने चले जाएंगे, लेकिन रहेंगे यहीं पे, है ना। सो यहां पर क्या बोला, द बेड एंड ब्रेकफास्ट वर वेरी चार्मिंग, नहीं, वॉज वेरी चार्मिंग, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थे, इसीलिए हमने डिसाइड किया कि हम इसे यहां एंजॉय करेंगे और अपना हॉलीडे यहीं मनाएंगे। वॉज वॉजर वॉजस्ट, जहर जहरर जहरस्ट, देंगे अभी तुमको हम पटाखा, ठीक है। सोशल ग्रेसेस भी था तो प्लूरल वर्ब नहीं होगा, नहीं, मास्टरी उसकी दो चीजों पे थी, सब्जेक्ट तो फिर भी मास्टरी था ना, आई हैव अ मास्टरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, तो तभी भी सब्जेक्ट तो मास्टरी है ना, है कि नहीं। सो यहां वॉज लगेगा, और वैसे एक चीज हिंट भी दे रही थी, and to stay and enjoy it for the rest of the life, that means rest of the holiday, it bhi define kar raha tha ki hum singular ke liye hi use kar rahe hain, theek hai, so it is option number b, that makes sense here, let's go with that 100%। kya baat hai, mil gaya isko, wo kya bol rahe the abhi tum, hum iske liye fight karenge ma'am, was ke liye humko kranti chahiye, whatever chahiye, jo bhi tumko chahiye tha, so mil gaya isko 100%। aachal, prasanta, ghost, ज्योति एंड सोनम, वेरी वेल डन। अगला क्वेश्चन देखिए। द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट वेब पेजेस आर द कॉज फॉर द इंप्रूवमेंट इन एआई टेक्नोलॉजी। कम ऑन गो फॉर इट। ओके कम ऑन कम ऑन गो फॉर इट। चलो चलो चलो, अरे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, इधर आराम से पढ़ाई करना है, फालतू बात करने नहीं आए हम लोग। द एडवेंट ऑफ अ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स टू क्रिएट वेब पेजेस आर द कॉज फॉर द इंप्रूवमेंट्स इन द एआई टेक्नोलॉजी। गो फॉर इट। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट न्यू टूल्स, हम नए टूल्स की बात नहीं कर रहे हैं ना, ना हम वेब पेजेस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कारण क्या है इनका एडवेंट, मतलब ये जो आए हैं, प्लेथोरा मींस बहुत सारे, मैनी, मल्टीपल, है ना। सो द एडवेंट ऑफ प्लेथोरा ऑफ न्यू टूल्स, जो इतने सारे नए टूल्स आए हैं वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, एडवेंट इज द कॉज, ये ही कारण है इंप्रूवमेंट का एआई टेक्नोलॉजी में। सो इट शुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट मेक सेंस हियर, एंड वी गो विथ द ऑप्शन, लेट्स हैव अ लुक। 100% अगेन, ए बिन्निसन, हर्ष, मेघा, श्रद्धा एंड श्रुति, वेरी वेल।
अगला क्वेश्चन देखो. द सोल्जर्स अलोंग विद द कमांडर वाज कोर्ट मार्शल्ड फॉर डिफाइंग द ऑर्डर्स एंड वर टेकन टू द कैपिटल. कम ऑन, गो फॉर इट. ओके, ओके लेट्स गो. द सोल्जर्स अलोंग विद द कमांडर अलोंग विथ विथ टूगेदर विथ अलोंग विथ इन एडिशन टू नो लेस दैन, ये सब जो लगता है पहला सब्जेक्ट अग्री करता है. पहला सब्जेक्ट सोल्जर्स है, तो सोल्जर्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, वर का यूज करेंगे. एंड बी हैज द एरर अगेन. 96.25 वी हैव उत्कलिका कृष्णा सिमरन श्रद्धा तोषमा हमारे फर्स्ट फाइव कंटेंडर्स. वेरी गुड. The last question, guys. People have a right to criticize, but at the same time, each of them have to remember their duty also in order to explore and become better. Come on. Come on, come on. Okay. सी में ही गलती है कि और कहीं भी है गलती, बताओ बताओ. ओके, जब कभी भी पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज, लोगों के पास बिल्कुल आपके पास राइट है, आप मेरे बारे में उल्टा बोले गलत बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय पर ईच ऑफ देम, ईच के बाद ऑफ लगाया तो देम तो ठीक है, Have to remember नहीं, each की वजह से has लगाना पड़ेगा और has के according their को डाके his लगाना पड़ेगा. Each of them has to remember his duty also in order to explore and become better, है ना. But की जगह and नहीं रे, ना रे मुन्ना ना, दो गलतियां हैं. अगर verb singular हो रहा है तो pronoun भी singular हो जाएगा, each of them के साथ has लगेगा और उसका option भी pronoun भी सिंगुलर हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट. ऑप्शन नंबर सी हैज द एरर. हियर वी गो. 98.65 वी हैव सिमरन मयूरी हर्ष उत्कलिका एंड श्रद्धा. वेरी वेल डन. अगला क्वेश्चन देखिए. अरे अभी है हमारे पास क्वेश्चन, दैट मींस ओ यस वी हैव इट. चलो कोई बात नहीं, वी विल डू ये वाला क्वेश्चन लास्ट करते हैं, उसके बाद होमवर्क क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है, आ जाओ. The chief idea of very common type of traveler is to see as many objects of interest as he possibly could while traveling to any new place. Come on. Go for it, go for it. Abhi hai hamare paas questions. I thought time tick tick ho raha hai. Reasoning bhi shuru ho jayegi. Koi baat nahi. Okay. ओके, द चीफ आइडिया ऑफ वेरी कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर, जो चीफ आइडिया है मतलब इंपॉर्टेंट आइडिया है बहुत कॉमन टाइप ऑफ ट्रैवलर का, इज टू सी एज मेनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट, जितना ज्यादा ये देख सकता है इंटरेस्ट करने वाले ऑब्जेक्ट्स उनको सबको ज्यादा देखे एज ही पॉसिबली कैन. ये ट्रैवलर के ट्रेट के बारे में बता रहे हो ना आप, उसके बताओ ट्रैवलर के ट्रेट के बारे में बता रहे हो ना कि ट्रैवलर कैसा है. बिहेवियरल, हाँ बिहेवियरल चीजों के लिए हम कैन का यूज करते हैं, कुड पास्ट टेंस नहीं लगेगा. दिस इज इट. 5.06 वाओ, दक्ष सुप्रियो चेतना एंड करण जोशी, दैट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल गाइस. अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है. द पीरियड ऑफ 25 इयर्स हैव पास्ड एंड स्टिल ही इज विदाउट अ जॉब रिलाइंग ऑन हिज पेरेंट्स टिल टुडे. ये आप क्वेश्चन का आंसर करोगे कॉमेंट सेक्शन में. ओके, इस क्वेश्चन का आप आंसर करोगे कमेंट सेक्शन में, और जो लोग सही आंसर करेंगे उसका आंसर. लेकिन यार कल जो हमने क्वेश्चन दिया सबने उसका आंसर गलत कैसे दे दिया, मुझको समझ में नहीं आया. हमने कल ये क्वेश्चन दिया था है ना, सबने उसका आंसर डी 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 कर दिया है. सिर्फ दो ही लोग हैं जिन्होंने सही आंसर दिया है, सिर्फ दो लोग. ठीक, एंड व्हाट आर दे, व्हाट इज द एरर हियर.
योर असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन इज क्वाइट ऑल राइट. बाबू क्वाइट का मतलब क्या होता है? पर्याप्त, इनफ, मतलब पूरा नहीं है. क्वाइट, प्रिटी, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, लेकिन ठीक है, पर्याप्त है, इनफ है ना. और ऑल राइट का मतलब होता है कंप्लीटली ओके. क्या ये दो शब्द आप एक साथ लगा सकते हैं? बताओ. कंप्लीटली ऑल राइट, क्या आप ये दो शब्द एक साथ लगा सकते हैं? नहीं. पर्याप्त है मतलब पूरा नहीं है, लेकिन बिल्कुल कम भी नहीं है, जितना चाहिए उतने में हो जाएगा. ठीक. सो हम इनफ लगाते हैं. अब इन दोनों में से कोई एक वर्ड लग सकता है, या फिर क्वाइट राइट लिखोगे या ऑल राइट लिखोगे, दोनों में से कोई एक चीज. इट्स क्वाइट राइट या फिर इट्स ऑल राइट, या तो पूरी तरह सही है या फिर थोड़ा बहुत सही है. दोनों चीजें नहीं हो सकती है, है ना. इन दोनों में से दोनों चीजें नहीं हो सकती. एंड द पीपल हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स आर नन अदर देन प्रीति एंड निशा. सो कांग्रेचुलेशंस. ठीक है, ये गलती थी. चलो, दैट इज इट. आज आपने किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बहुत मेजर पोर्शन कंप्लीट. कल हम लोग और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लेकर आएंगे और ज्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे. तो तब तक के लिए बिल्कुल भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी से दो मिनट बाद, तीन मिनट बाद आपकी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो रही है. तो जल्दी से पानी पीना है, पानी पी लो, जल्दी से आ जाओ और फिर वापस से रीजनिंग की क्लास ज्वाइन कर लो. ठीक है, लीडर बोर्ड अपना एक बार जरूर देख लीजिए. दक्ष, सिमरन, हर्ष, श्रद्धा, प्रसन्नता, मयूरी, रिक्तिका, उत्कालिका, अमु और अमृता है हमारे फर्स्ट टेन कंटेंडर्स. वेरी वेल डन. एंड वी हैव तुराग, आकांक्षा, वर्षा, मेघा, क्रिस्टी, पारुल, तन्मीत, वर्षा, डीमन एंड अरिंदम. वेरी वेल डन. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक अपना ख्याल रखिए. लव योरसेल्फ एंड लव योर फैमिली. बाय बाय, तारा, सी यू. और जिनको अच्छा लगा है सेशन लाइक जरूर कर देना.